खबर वाराणसी से है, जहां नगर आयुक्त ने साइकिल से दौरा करके विकास कार्यों का जायजा लिया। जनपद में चल रहे कार्यों की समीक्षा को देखते हुए नगर आयुक्त ने साइकिल से दौरा किया। बलुआवीर दारानगर वार्ड के अंदर लगातार कई महीनों से जल जमाव की समस्या थी, जिसको लेकर नगर निगम के माननीय नगर आयुक्त साहब से हमारी बात हुई थी, तो आज उन्होंने आने का जो वादा किया था तो उसी को निरीक्षण के लिए आए। मनोज यादव ने बताया कि कई वर्षों से सुबह शाम से निरीक्षण जो हमारा प्रमुख क्षेत्र का समस्या है उसमें जो तो दुल्ली गढ़ई अंबिया मंडी मोहम्मद मस्जिद के पास और सामान्य विभाग की भी तमाम समस्याएं हैं। जलकल हमारी कोई बातों को नहीं सुन रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि यहां मुझे बंधक भी बनाया गया था, जिसको लेकर सरकार के दबाव में हमारे पर मुकदमा भी किया गया। तो उस सब की शिकायत जब हमने महापौर से की और नगर आयुक्त से की तो नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ठीक है, मौके पर आएंगे, उसी के निरीक्षण के लिए आज आए थे। और हमें उम्मीद है कि क्षेत्र के जनता से भी उनकी बात हुई है और हमें लगता है कि अब जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र की समस्या जो है उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि नगर आयुक्त साहब ने 30 जनवरी का वादा करके गए हैं कि दिल्ली गढ़ई की जो भी समस्या चाहे वो 4-5 साल की हो या 8 साल की हो, लेकिन ये 30 जनवरी तक इसको ख़त्म कर दी जाएगी। और जो पानी लगने की समस्या लगातार बनी रहती थी, जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बूढ़े औरतें किसी भी ज़रूरत के लिए अपने घरों से जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब बहुत जल्दी ही उनको उनके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है और उनकी समस्या को दूर करने का उन्होंने वादा करके वो गए हैं। और क्योंकि हमारे नगर प्रमुख हैं वो नगर आयुक्त साहब, तो उनके आश्वासन के बाद हमें उससे उम्मीद है और हम लोगों को उम्मीद है कि 30 जनवरी के बाद जो तो तमाम समस्याओं से राहत मिल जाएगी। हाँ सर, एक किस्त निरीक्षक की क्या यहाँ पे तुफैल अंसारी ने भी बलवा देवीर क्षेत्र में कई जगह पर शिविर की पानी की समस्या को नगर आयुक्त को अवगत कराया व समस्या निदान की मांग की। समस्या थी और ये समस्या पिछले विगत 2 माह में बढ़ गई है, तो पार्षद श्री तुफैल अंसारी द्वारा अवगत कराया गया और उनके इस आग्रह पे सभी पूरी टीम के साथ आज निरीक्षण पे भी आए हैं। समस्या के 2 अंग हैं। एक अंग ये है कि समस्या 2 महीने में थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो उस समस्या का निस्तारण के लिए तत्काल इसमें पंप कैपेसिटी जो आगे शाहीन नाले का काम चल रहा है वहाँ पर पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। और दूसरा जो इसकी समस्या बुनियादी है और काफ़ी समय से है और यहाँ पे वो कार्य पहले हुआ भी नहीं था, वह कार्य ऑलरेडी स्वीकृत है, मेन रोड पर वो कार्य चल रहा है, राज सेक्टर से वो करवाया जा रहा है, तो अपेक्षा ये है कि ये पूरा कार्य जो कि इससे यहाँ की समस्या कम से कम यहाँ की लोग कम से कम 15-20-25 साल से ग्रसित थे, वो समस्या भी 30 जनवरी तक फाइनली सॉल्व हो जाएगी और जो पानी लगने की समस्या है उसका हम पूर्णतः निस्तारण पा लेंगे। सर, आपकी ट्यूबवेल के सामने अभी देखें गंदा पानी निकल रहा है, जनता गंदा पानी पी रही है, पार्षद विरोध करने पर भी अधिकारी लोग दबा देते हैं मुकदमा करने के लिए इनके ऊपर बार बार। नहीं, पार्षद इसमें ट्यूबवेल की जो समस्या है ये मतलब लोकलाइज समस्या है, ये इसका पानी जो है सप्लाई का भी सप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टंकी से भी सप्लाई होगा, यहाँ पे हमारा टंकी सप्लाई है ओवरहेड टैंक से, तो उस तरह से वो वाली समस्या नहीं है जो अलग वार्ड दूसरे वार्ड में थी, तो ये समस्या के लिए भी कंप्रेसर अलग से मंगवा के, और क्योंकि ये किसी भी अमूमन उसमें हो सकती है ट्यूबवेल में, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग की फॉल्ट नहीं है क्योंकि 1.5 साल से ये चल रहा था, तो पर इस समस्या को तत्काल सॉल्व करवाना यह उद्देश्य है, इसी कारण ये देखा गया और इसको करवाया भी जाएगा। एक समस्या सर और, आप निरीक्षण करते करते बुनकर की देखने लगे, क्या बुनकर समाज की क्या करेंगे? देखिए, जो बुनकर समाज है जो बनारस की जो पहचान है उससे उसका एक अभिन्न अंग है, तो बुनकर समाज के लिए चाहे डायरेक्टली, क्योंकि नगर निगम से उनकी जो सहायता हम लोग टैक्स के रूप में कर सकते हैं वो ऑलरेडी शासन में हम लोग लिख चुके हैं कि आप लोगों पे अनावासीय जो कमर्शियल टैक्स हम लोग लगाते हैं क्योंकि एक तरह से गृह उद्योग है तो उसको उस तरह का लाभ दिया जाए, ये हम 2019 में ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, दोबारा हमने लिखा और शासन से इसमें हम लोग ये समय समय पर बात भी रखते हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ क्योंकि आपका जो काम है उसमें जो कतरन वगैरह भी निकलती हैं उसमें भी आप सभी लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं कि वो सीवर वगैरह में ना फंसे, उससे जाम इत्यादि ना हो, तो सामंजस्य बिठा के क्योंकि एक बुनकर जो है, मैंने जैसा मैंने कहा, बनारस की पहचान है, कबीर के समय से आप लोगों का उल्लेख है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो छोटा ग्रह लघु उद्योग भी है वो भी साथ में उन्नति करें और सम्पन्न हो।
धन्यवाद सर।